नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन में हमने तापीय ऊर्जा पर कंप्लीट चर्चा कर ली। तापीय ऊर्जा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उन सबके बारे में हमने जान लिया, और आज की क्लास के अंदर हम जलीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन में आज हम जलीय परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। जलीय परियोजना, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जलीय परियोजनाएं, उनके बारे में जानेंगे। पहली परियोजना है बागड़ा नागल बांध परियोजना। पहली परियोजना है बागड़ा नागल परियोजना। पहली परियोजना है बागड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर है। जो बांगड़ा नागल परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? ये सतलज नदी पर। नदी कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर बांगड़ा नागल बांध परियोजना है। बांगड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर बांगड़ा नागल बांध परियोजना है। जो बांगड़ा नागल बांध परियोजना है ये तीन राज्यों की परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ये तीन राज्यों की परियोजना है बांगड़ा नागल बांध। तीन राज्यों के अंदर संचालित है। राजस्थान में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जो बांगड़ा नागल बांध परियोजना है यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा है 15 बांध परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 15.2। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। यह तो हो गई बागड़ा नागल बांध परियोजना। अगली व्यास परियोजना, व्यास परियोजना, अगली परियोजना है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। जो व्यास परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? नदी व्यास नदी पर है। व्यास नदी पर, व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जो व्यास परियोजना है वो राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएं। जो व्यास परियोजनाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजनाएं। इसमें राजस्थान का हिस्सा है देर बांध से 20%। राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा है देहर बांध से। राजस्थान का हिस्सा है देर बांध से 20% और पोंग बांध से 59%। और पोंग बांध से 59% हिस्सा है राजस्थान का। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा है देर बांध से 20%
और पोंग बांध से 59% हिस्सा है। इससे 422.64 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 422 विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। व्यास परियोजना, व्यास नदी पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है देर बांध से 20% और पोंग बांध से 59%। इसमें राजस्थान में विद्युत उत्पादन होता है, राजस्थान में विद्युत उत्पादन होता है 422.64 मेगावाट। राजस्थान का हिस्सा है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन में जलीय परियोजना पढ़ रहे थे। जलीय परियोजना में हम पढ़ रहे थे बांगड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर। ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। जो बांगड़ा नांगल बांध परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.2%। इसके बाद में हमने व्यास परियोजना पढ़ ली, इसके बारे में हमने जान लिया, यहाँ तक देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अगली परियोजना है राहुघाट परियोजना। अगली परियोजना है राहुघाट परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं जो राहुघाट नदी पर बनाई गई। नदी कौन सी है? नदी है राहुघाट नदी। राहुघाट नदी पर है। इसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश का हिस्सा है। राजस्थान का हिस्सा है 50% और मध्य प्रदेश का हिस्सा है 50%। 50% तो राजस्थान का हिस्सा है और 50% हिस्सा है मध्य प्रदेश का है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल नदी पर है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है 50% और मध्य प्रदेश का हिस्सा है 50%। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। इसमें राजस्थान का हिस्सा है 50% और मध्य प्रदेश का हिस्सा है 50%। अगली परियोजना है मही परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है माही नदी पर। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। परियोजना माही नदी पर है। इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है
55%। राजस्थान में इससे विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट। राजस्थान में उत्पादन होता है 140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है माही परियोजना से। राव घाट परियोजना, राव घाट परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। यह राव राव परियोजना राव घाट नदी पर है। अगली परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो चंबल परियोजना है यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। नेक्स्ट हमने माही परियोजना के बारे में पढ़ा। माही परियोजना माही नदी पर है। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा है 45% और गुजरात का हिस्सा है 55%। राजस्थान में माही परियोजना से विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट का। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम राज्य की स्वयं की परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल। धन्यवाद।